Hello everyone, I am Ashutosh and you all are welcome in Ashutosh world. Friends, aaj ka topic hai difference between edible and eatable. Edible aur eatable mein kya difference hai? Shayad aap logon ko pata hoga ki dono ka meaning bilkul hi same hota hai. Hindi mein meaning hoga khane yogya. Theek. Lekin friends, ye jo edible hai, edible ka matlab hota hai वो चीज़ जो फिट टू बी ईटन, जो खाने के लिए अच्छी हो, मतलब कि जिससे कोई नुकसान ना हो, वो होता है ईडिबल. ठीक है. और ईटेबल क्या होता है, मतलब हर वो चीज़ जो खाई जा सके. डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, सेहत के लिए अच्छी हो या बुरी हो. फॉर एग्ज़ाम्पल पिज्ज़ा, बर्गर, जो भी फास्ट फूड्स हैं वो आपके ईटेबल की कैटेगरी में आएंगी, लेकिन वो ईडिबल की कैटेगरी में नहीं आएंगी. क्योंकि खाने की चीज़ें तो है वो, लेकिन सेहत के लिए अच्छी नहीं है. ठीक है. तो ईटेबल में वो सारी चीज़ें आएंगी जिनको हम खा सकते हैं. क्या हम ईंटा, बालू, पत्थर को खा सकते हैं? नहीं ना. तो वो ईटेबल नहीं है. जिन चीज़ों को हम खा सकते हैं, जो इंसान खाते हैं, वो सारे ईटेबल हैं. लेकिन जो सेहत के लिए भी अच्छा हो, ऐसी चीज़ें लाइक सैलेड हो गया, सैलेड और अंडा, अंडा हो गया, चिकन हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, मतलब जो भी सेहत के लिए अच्छा हो, जो आपको बॉडी को हार्म नहीं करती है, वो होती है ईडिबल. ईडिबल के कैटेगरी में आती है वो. ठीक है. वो ईडिबल की कैटेगरी में आती है. हर वो चीज़ जो आप खा सकते हो वो ईटेबल की कैटेगरी में आती है. होप कि आपको समझ आया होगा. सो आज के लिए बस इतना ही. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स.